कैसे हो सुख जी? एकदम बढ़िया साहब। रामेश्वर जी क्या है, कैसे उदास बैठे हो आप? सबसे पहले तो आपके द्वारा बात करना चाहूंगा मैं। उदास क्या है भाई, हमारे गोड़ापुरी में कोई एक मोटा गमी हो गई। अच्छा। एक अश्व प्रति की शान थी ग्रुप। अच्छा। उसका देहांत हो गया। अच्छा, कौन से ग्रुप का? अश्व प्रति की शान का। शान का उसका देहांत हो गया। उसका देहांत हो गया। अच्छा, इसीलिए उसके शोक में बैठे हैं। अच्छा, उसके शोक में बैठे हो मतलब। अच्छा अच्छा। लोग श्रवण जी बात ऐसी है, हाँ। ये इतनी कड़वी बात बोल रहे हैं तो नाराज भी लोग होंगे। बिल्कुल। लेकिन उसकी एक वजह बताता हूँ। बताइए। कोई भी बेफालतू का बबाल उठा लेते हैं, अरे यार वो घोड़ा डीएनए पास नहीं है, वो घोड़ी फर्जी वहाँ दे दी, उस घोड़ी का डीएनए नहीं हुआ, ऐसे बेफालतू की बातें तो साल भर में 11 महीने बहुत करते हैं। बहुत करते हैं, ठीक है। ये 12वें महीने का मेला है, इसमें कोई भी नहीं आके बोला, कोई भी नहीं, कोई नहीं मेले के लगाने का प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली साल सारे भाई लोगों ने इकट्ठे होके सवाई बनाजी सारे आए, एर ज्ञापन दिया, मेला भरवाया भरवाया। मेरे से एक गलती हो गई, मैं ऐसे बोल दिया कि भाई सवाई सिंह जी पधार रहे हैं रणसी गांव से शेर, तो कई लोगों ने मिनकियां म्याऊ माऊ की उसमें। बिल्कुल। के सवाई सिंह जी का कैसे नाम ले लिया, अरे सवाई सिंह जी तो इस घोड़ों को कहां से कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल ठीक है। ये 12 महीने से ये ग्रुप लोग ग्रुप बाजी चल रही है शरण जी, यार इसका सबका सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जायज है। और कोई प्रशासन और वगैरह की कोई किसी की गलती नहीं है, हमारी आपस की एक दूसरे की फूट है इसी। तो रामेश्वर जी जैसे 4 दिन आप यहाँ इस मेले में रहे, हाँ जी। तो मैं तो सभी को यही कहूंगा कि हमारी जीत है इस 4 दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। 2022 का मेला, 2022 का ये ऐतिहासिक मेला रहेगा। जितने लोग आए इस मेले में उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो नहीं आए उनका सबसे ज्यादा धन्यवाद है। नहीं आए सबसे ज्यादा, जो नहीं आए उनका सब। हम दिल्ली से आए इतनी दूर से। बहुत अब ये भाई साहब जो दिल्ली से आए हैं, भाई साहब आप घोड़ा उड़ी लेने आए हो, किस लिए आए हो आप? मैं जी, मेरा नाम रविंदर पंडित जी है जी, और श्यामदेव घोड़ा है मेरे पास। अच्छा। महादेव का बेटा है, हर्ष का पोता है। बिल्कुल जी। बाबा बालक दास वाला मैं देखना आया हूँ जी। माहौल ऐसा अफवाहें चल रही थी ग्रुप में, मैंने कहा जी कि माहौल अच्छा होगा तो जानवर लेके चलेंगे। बिल्कुल। ये ग्रुपों की ऐसी देसी की है, सबने ग्रुपों का नाम ही मतलब डाल दिया, ये डाल दिया, गलत बोल कमेंट कर दिए तो पब्लिक में गलत मैसेज पहुंचा दिया। बिल्कुल। इससे पशुपालक डर गए हैं, भी आगे बंदे लगा दिए, पुलिस आगे अंदर नहीं जाने देगी। बिल्कुल सही है। किसी को अंदर एंट्री नहीं करने देगी, वापसी कर देगी, और किसी ने पुलिस वालों ने मना नहीं किया। पुलिस वालों ने तो मना नहीं किया साहब, कोई देखा क्या पुलिस वालों ने? कोई रोक टोक नहीं है। ये अपने आए एक दूसरे की खांच चतीन से ये मेला बंद हुआ है। तो कमी मतलब कुल मिला के रामेश्वर जी आप कहोगे कि अपने घोड़े वालों में ही है। बिल्कुल, घोड़े वालों, पशुपालकों की कमी है जी। बिल्कुल, किसी की कमी नहीं है। अगर जहाँ पे जनता होती है तो प्रशासन क्या करेगा? बिल्कुल सही है। देखिए गवर्नमेंट भी तो जनता से ही है। बिल्कुल सही है। अगर पब्लिक यही सिलसिला चलता रहा तो ये जो पारंपरिक बातें है ना, मेला लगता है, ये खत्म हो जाएगा जी। बिल्कुल सही है। अभी मैं ऊंट वालों के पास गया था, वो भी बहुत परेशान है। उन्होंने पुष्कर का नया नाम निकाला है, पुष्कर। पूरी साल से ना जानवर पालने वाले एक उम्मीद, हाँ, रखते हैं। अभी क्या है, ऊंट वाले कह रहे थे कि साहब ये पुष्कर का धार्मिक मेला भरता है, इसका नाम हम आज से चेंज करते हैं, पुष्कर है इसका नाम। हाँ, पुष्कर नहीं, पुष्कर नहीं, पुष्कर। हमारे बच्चे जब बोलते हैं कि साहब पापा पुष्कर चलेंगे, पुष्कर चलेंगे, तो आज ये नाम रख दिया हमने पुष्कर इसका। यहाँ पे धूल उड़ेगी और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। परमा जी की नगरी है, इसका तो नाम चेंज किसी से नहीं होगा श्रवण जी। बिल्कुल। देखो उनका जो दर्द है, वो उनका दर्द की जो पशुपालकों का दर्द है, वो रामेश्वर जी आप वहाँ जाके देखो, धूल उड़ा रहे हैं वो लोग। जी जी, जी ऊँट वाले धूल में भरे पड़े हैं। अभी भी मैं जाके आया हूँ और वीडियो बना के आया हूँ। ऊँटों को खाने पीने पानी पिलाने का कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूछना चाहते हैं सभी से, आप बोल दोगे कि ये रामेश्वर ने ऐसे बातें क्यों की? अरे लोग बोलते थे हम रिंगे ऐसे नहीं होने देंगे, हम मेला ऐसे भरवाएंगे, हम फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। अरे फर्जीवाड़ा छोड़ के आप यहाँ आके कोई जानवर वालों को हालचाल तो पूछो। बिल्कुल। उनको ये तो बोलो कि भाई मेला में आओ, आपका सहयोग है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मना ही नहीं है। बाकी प्रशासन की गाड़ियाँ घूम रही है, लेकिन ऊंट पालकों को कुछ, किसी को ऊंट किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला। ग्रुप वाले ही एक दूसरे को ऐसे, अरे एसडीएम साहब से बात हो गई, वो बोल रहे हैं नहीं आना। वो एसडीएम साहब वाले अब है कहाँ मेले में, आओ ना यहाँ। वो है ना, वो जो नेता की परनेता की इनकी अप्रोच लगाते हैं कि साहब हमारे रिश्तेदार है, वो है, वो है, हम सब कुछ करवा लेंगे, वो कर लेंगे। वैसे तो घोड़े वाले कहते हैं मंत्री हमारा जान पहचान। हाँ, हाँ जी। अगर किसी यूट्यूबर को धमकी देनी हो मंत्री की, और इसकी, हाँ, जब पड़ेगी अगर किसी यूट्यूबर के बारे में बोलना हो ना, कंट्रोवर्सी करनी हो, सरकार की कोई गलती नहीं है, जानवर ही नहीं आया तो मंडी किस चीज की भरे? मंडी में तो माल ही बिकेगा ना जी।
भाई किसी यूट्यूबर के बारे में बोलना हो या किसी घोड़े वाले की खाल खींचना हो, जब तो बहुत धमकी दे देंगे घर बैठे बैठे, तो शाम को 8 बजे के बाद में रोज बोल देंगे 8 PM हो जाता है ना। ऐसे कैसे बोल दिया सरवन, तूने ऐसे कैसे बोल दिया। पर अब मैं उनको भी कहना चाहूंगा, कोई धमकी देवे तो उसको उधेड़ देना, ये समझ ये इस वीडियो से औकात भी समझ में आ गई हो। जी जी क्या सही कर सकते और क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल, 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 रोज बोलते हाँ जी हम गाड़ी हम घोड़ियां भर लिए आ रहे हैं, आ रहे हैं आप रुक जाओ हम आ रहे हैं, सब चूतिया बड़ा आए होंगे ना घुमा के ले गए होंगे इधर से। कोई नहीं आए, कोई नहीं आए, फोन पे वहाँ से घर बैठे फोन पे बात कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, कर देंगे बड़े फार्म वाले ऐसे हैं उनका, वो हम धंधा बंद कर देंगे, वो फर्जीवाड़ा बंद कर, कोई किसी से बंद नहीं करना होगा उनका, तो वैसा चलेगा मार्केट। आज घोड़ों का नाम किया लोगों ने, बड़े बड़े फार्म वालों ने, जैसे आज सवाई सिंह जी वगैरह घोड़ों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, ठीक है। और ये फापड़बंदी कर रहे हैं ना यहाँ, जो चंदा इकट्ठा कर करके जिसके पास में घोड़ियां, घर पे घोड़ियां नहीं है, वो भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। हम लोगों ने तो सरवन भाई जितना संघर्ष करना बिल्कुल किया। सुनील भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। पिछले साल ये कोरोना की वजह से 2-3 साल से ये सफारी वगैरह बंद थी, ये लो जी बोनी बना आ गया सर, लोगों के छा गए, बोनी बना DNA करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे हैं। उनकी दुकान चलानी थी वो चला ली पिछले साल, अभी भी समय है, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है लेकिन रुकेंगे नहीं। बिल्कुल सुनील भाई बहुत अच्छी बात बताई आपने, और इस मुहिम के द्वारा आप लोग सभी लोग आए, जो आए उनका मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। और जो नहीं आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं आए उनका भी धन्यवाद है। बिल्कुल, और हम तो 2022 का 4-5 दिन मेला कर लिया। अरे सुख जी ऐतिहासिक मेला है ये 2022 का, जब भी कभी मेले की बात होगी ना तो ये दिन याद रहेंगे लोग बागों को, बिल्कुल याद रहेंगे साहब। और जी वो एक कहावत है, किसी गांव के अंदर एक आग लग गई थी और एक तरफ वो चिड़िया नदी से पूरे गांव वाले उसको बुझाने जा रहे थे, चिड़िया भी उसमें चोंच भर भर के उसमें पानी डाल रही थी, तो कौवा ने बोला, वो कौवा हंस रहा था कि तेरे से ये बुझ जाएगी क्या। बिल्कुल, अरे भाई बुझेगी या नहीं बुझेगी तो भी मेरा नाम इसमें रहेगी संघर्ष का, और तेरा नाम इसमें हंसने का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वो घर बैठे बैठे हंस रहे हैं, उनका काम वो ही है। बिल्कुल सही, मेरा लग जाता तो फट से सब उठ के आ जाते, सब आ जाते, फिर कह देते कि हमने लगवाया। हाँ जी हमने, हम तो आ रहे थे, झंडा गाड़ देते, हम तो ऐसे कर देते, हम झंडा गाड़ देते, झंडा गाड़ देते, झंडे ऐसे नहीं करते, मेहनत करनी पड़ती है, मेला सभी का है, किसी अकेले आदमी का नहीं है, किसी और एकजुट होकर काम करते हैं। किसानों का मेला है, किसानों का मेला है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत से लोगों कई लोगों का जानवर, हमारा जानवर बिकेगा तो उसको पैसे देना है। किसान 12 महीने से जानवर तैयार करता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 12 महीने तक उसको खिलाता पिलाता बच्चे की तरह पालता है, और फिर भाई मेला नहीं भरता तो फिर वो क्या करता है वो। बिल्कुल सर, रामेश्वर जी अभी तो आप वापिस जा रहे हो अपने घोड़े लेके। जी जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का कि 4-5 दिन आप साथ रहे, हमारा 5 दिन यहाँ सहयोग दिया, साथ में मिलजुल के रहे, आभारी है। हसन भाई है, पबजी राउत जो ये JCB टेंट टंकर वाला है, इन लोगों ने हमारे पानी की मदद की। बिल्कुल साहब, हसन भाई ने टेंट वगैरह हमारे, और उसने पैसे भी नहीं लिए बेचारे ने, ऐसे टेंट लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद है MD टेंट हाउस का। और पप्पू जी जो टैंकर वाले है, उन्होंने पानी का जिम्मा उठाया था कि साहब जो पानी की व्यवस्था नहीं है तो मैं करूंगा पानी की व्यवस्था। सबसे धन्यवाद तो यहाँ के लोग जो नोकल घोड़ियों वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, वो रोज हमारे यहाँ आके हमारे को हौसला बढ़ाते थे, हाँ जी हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। अच्छा, बहुत धन्यवाद भाई उन लोगों को। चलिए ठीक है रामेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।